यार बच्चों आइए हम चलते हैं 8.3। ये 8.3 है, 8.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जिसमें कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। और बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। और इसको करने से पहले हम वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, P1 प्लस रेट बाई 100 और यहाँ पर टाइम। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम अमाउंट भी फाइंड करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना। आइए हम करते हैं, पी की जगह प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जो अमाउंट है वो हम लिख लेते हैं 10,800 और 1 प्लस रेट है आपका, ये वाला रेट है, इसका क्या रेट होगा, ये होगा 25/2। मैं आपको बता देता हूँ 25/2 कैसे होगा, ये 100 है तो इधर इनटू में 100 आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लगा सकते हैं और यहाँ पर टाइम, टाइम के लिए 3 ईयर है तो 3 ईयर लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, इसको मैंने 25/2 लिखा, देखिए 12, ये मिक्स नंबर में, इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हैं तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, 12 टू जा क्या होता है, 12 टू जा 24 को 1 से करेंगे 25 बाई 2 ये आता। ठीक है, ये हमने इसमें लगा दिया। आइए इसको करते हैं, तो 10,000 आप इस चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हो, 25 फोर जा 100। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, तो 10,800 यहाँ पर देखिए 4 टू जा 8, यहाँ पर 1 प्लस और ऊपर भी 1 रह गया, नीचे 8 रह गया, इधर ये देखिए इस प्रकार आप कर सकते हैं। आइए इसको आगे करते हैं, 10,800 और यहाँ पर 8 और 1 का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा और 8 और 1 का एलसीएम जब 8 लिया तो इस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 के टेबल लेंगे, 8 पे जाएगी, 8 को 8 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 वन जा 8 प्लस 8 को 8 से क्या 1 1 1 जा 1, ये ठीक है। इसको इसको मैं इधर ही बढ़ा देता हूँ, ये देखिए 8 प्लस 1 क्या होता है 9/8, क्योंकि 3 टाइम्स है, आप भी 3 टाइम्स इसको लिखेंगे। इसको लिखेंगे ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है 8 से कर सकते हैं, 8 से 8 वन जा 8 यहाँ पे 2 और 8 8 3 जा 24, 4 5 8 5 जा 40, 0 के 0। ठीक है बच्चों, आप इसको चाहे तो 2 से कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 से इसको 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 5 जा ये आ गया। ठीक है बच्चों, आइए इसको हम मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेते हैं कितना आता है, देखिए 675 को अलग लीजिए, 9 को 9 से क्या 81 को 9 से करेंगे 729 और 8 4 जा 32। ठीक है बच्चों, आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, मैं इधर मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ कितना आता है, 675 729, ये 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 6 7 जा 63 प्लस 4 70 67 कैरी 6, 9 6 जा 54 प्लस 6 60 कैरी, ये देख 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15 कैरी 1, 2 6 जा 12 और 1 13, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 7 जा 49 और 3 52 5, 7 6 जा 42 और 5 47। आइए इसको ऐड कर लेते हैं, 9 2 11 12 9 ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया 49 2 0 7 5 by 32। ठीक है बच्चों, ये आपका जो है आंसर आ गया है, आंसर यहाँ तक आंसर आपका निकल चुका है। आइए अब हम इसको 32 से इसको डिवाइड करते हैं तो वो आपका कंप्लीट आंसर आएगा। अब 32 को डिवाइड करने के लिए मैं इधर डिवाइड करके दिखाता हूँ एक तरफ। आपको बिल्कुल ध्यान से करना होता है, 32 32 1 जा 32, 9 2 7 1 2, 32 5 जा 5 पे चलेगा, 160 होता है, 2 और 1 फिर ये नीचे 0 डाउन की ये आ गया, 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे हम लेंगे, ठीक है 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा 3 पे लेंगे,
थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, ठीक है। टेन में से सिक्स माइनस करेंगे फोर, या फिर इलेवन, इलेवन में से नाइन माइनस करेंगे टू, ठीक है। और नेक्स्ट डिजिट सेवन, अब इसको लेंगे सेवन पे लेंगे, जी हाँ सेवन पे, एट पे ज़्यादा हो जाएगा। सेवन टू जा फोर्टीन, कैरी वन, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और वन ट्वेंटी टू। इस प्रकार सेवन से फोर माइनस करेंगे थ्री, फोर में से टू टू, और नेक्स्ट डिजिट हम फाइव उतारेंगे, जी हाँ अभी भी सेवन पे चलेगा, तो हम इसको ले सकते हैं इस प्रकार। फाइव में से फोर माइनस किया वन, वन, आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के एक ये उतार लेते हैं। अब ये थ्री पे चलाना है, ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। थ्री पे नाइन्टी सिक्स, टेन में से सिक्स माइनस करेंगे फोर, यहाँ पे रह गया टेन, टेन में से वन, फिर जीरो और वन फोर्टी, तो ये चलेगा फोर पे, ठीक है, फोर पे चलेगा। फोर पे करने की जरूरत नहीं, ये आप आंसर लिख सकते हैं। वन ये इसमें लिख रहा है फिफ्टीन थाउजेंड 377.34, ये आपकी आ गई अमाउंट बच्चों, ये आपका आ गया अमाउंट। मैं इसको अमाउंट लिख देता हूँ, ये आपका अमाउंट आ गया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं, अमाउंट में से माइनस करना है प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। 15,377.34 माइनस जो इसका हमारा था, ये देखिए ये अमाउंट, ये अमाउंट हम इसमें माइनस करेंगे 10,800, ठीक है बच्चों। आइए माइनस कर देते, 0.34 तो यूँ कहूँ लिखना है क्योंकि इसमें पॉइंट है नहीं, तो पॉइंट वाले डिजिट यूँ कहूँ। अच्छा यहाँ पे सेवन भी आएगा, ये वन पहले इस पे जीरो है, यहाँ पे सेवन है तो सेवन का सेवन, और सेकंड डिजिट में भी सेवन है तो सेवन का सेवन। यहाँ हंड्रेड डिजिट पे थ्री है, एट है सॉरी, और यहाँ पे थ्री है तो थ्री में से एट माइनस नहीं होंगे, थर्टीन में से एट माइनस करेंगे तो फाइव, ठीक है फाइव आ गया। यहाँ पे रह गया आपका फोर, फोर का फोर आ जाएगा और वन में से वन गए जीरो, तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों, ठीक है। आप चाहे तो इधर भी सिंपल तरीके से इसको चाहे तो माइनस कर सकते हैं, इस प्रकार माइनस कर सकते हैं ऐसे, तो 10,800 और इधर पॉइंट है तो पॉइंट के लिए लगा के अपनी तरफ से जीरो जीरो लगा सकते हैं। ऐसे भी आप इसको माइनस करेंगे तो भी ये आंसर आपका निकल आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएँ। चलो कदम बढ़ाएँ, देश को शिक्षित बनाएँ। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।